मैं हूँ शोभानंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है छोले मसाला। छोले मसाला बनाने के लिए 500 ग्राम छोले को ओवरनाइट भिगोकर रख देंगे, या फिर 4-5 घंटे के लिए भी आप भिगोकर रख सकते हो। भिगोते समय 1 चम्मच नमक डालकर रख दीजिए। छोले के अच्छी तरीके से फूल जाने के बाद 3-4 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। छोले के साथ उबालने के लिए साबुत मसालों को देख लेते हैं। 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 2 तेज पत्ते और 10-15 दाने काली मिर्च के। चम्मच से अगर हम काली मिर्च का मेजरमेंट लेंगे तो ये लगभग 1/4 चम्मच है। तेज पत्ते हटाकर बाकी साबुत मसालों की पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के लिए साफ सूती कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर सभी मसाले डालकर साथ में 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल देंगे। चाय पत्ती की जगह पर आप सूखे आंवले का भी यूज कर सकते हैं। सभी साबुत मसालों को कपड़े में अच्छी तरीके से लपेटने के बाद कपड़े में एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने से उबालते समय मसाले पोटली से बाहर नहीं आएंगे। पोटली बनाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट के मैंने अलग कर दिया है। इसका यूज़ दूसरी बार छोले बनाने में करेंगे। छोले उबालने की सारी तैयारियां हो चुकी है। कुकर में छोले डालकर साथ में ही पोटली डाल देंगे और तेज पत्ते भी। 1 चम्मच नमक डालकर पानी डाल देंगे। पानी हमें छोले से 1 इंच ऊपर रखना है। अगर आपको गाढ़े छोले पसंद है तो पानी का यूज इससे कम करें। अब कुकर को गैस पर रखकर ढक्कन लगाकर छोले के सॉफ्ट हो जाने तक उबाल लेंगे। छोले आपको अपने अंदाज से उबालने होंगे, क्योंकि सभी जगह का पानी अलग होता है। कहीं पर छोले जल्दी गल जाते हैं और कहीं उबलने में ज़्यादा समय लगता है। कुकर में 6 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। कुकर के प्रेशर को अपना आप ठंडा होने देंगे। साथ हरी मिर्च ले लेंगे। हरी मिर्च आपको अपने टेस्ट के अनुसार रखनी है। 3 इंच अदरक का टुकड़ा, इन दोनों को चटनी जार में डालकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद मिर्च डालकर बारीक पीस लेंगे। अदरक और मिर्च का पेस्ट बन जाने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लेंगे। टमाटर को बारीक कट करके टमाटर को भी चटनी जार में डालकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट बन जाने के बाद पेस्ट को साइड में रख देंगे। कढ़ाई में 1 चमचा रिफाइंड तेल डालकर गर्म कर लेंगे। रिफाइंड की जगह पर आप सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं। तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच हींग डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, जिससे कि ये दोनों मसाले जले नहीं। अजवाइन और हींग के हल्का सा भून जाने के बाद तैयार करके रखे हुए अदरक और मिर्च के पेस्ट को कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। मसालों को भूनते समय गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे। अदरक और हरी मिर्च का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद टमाटर के पेस्ट को भी कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। साथ में थोड़ा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि मसाले जले नहीं। टमाटर के साथ में ही पाउडर मसाले भी डालकर भून लेंगे। 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आपको अपने टेस्ट के अनुसार रखनी है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च की जगह पर आप कश्मीरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच चना मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर, 1/2 चम्मच नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अनुसार रखना है। सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके मसाले से तेल अलग होने तक पका लेंगे। मसालों से तेल अलग होने लगा है। छोले के अंदर जो हमने पोटली बनाकर डाली थी वो हमने निकाल दी है, साथ में तेज पत्ते भी। छोले भी अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। छोले के ऊपर क्रैक नज़र आने लगे हैं। छोले को चम्मच से दबा कर देखेंगे, आसानी से ये दब रहे हैं। अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। कुकर के अंदर जितना पानी और छोले हैं सभी को निकाल कर कढ़ाई में डाल देंगे। छोले को मैंने चावल के साथ खाने के लिए बनाया है, इसलिए सारा पानी डाल दिया है। लेकिन छोले को अगर आप रोटी, पराठा, पूरी या भटूरे के साथ सर्व करना चाहते हैं तो पानी की मात्रा कम रखें। पानी की मात्रा आपको अपने टेस्ट के अनुसार रखनी है। लो फ्लेम पर छोले को पकाते हुए 10 मिनट हो चुकी है। छोले को हमने ढककर पकाया है। छोले का पानी अच्छी तरीके से पक चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ऊपर से धनिया डाल देंगे। धनिया इस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए बिना धनिए के ही छोले को हम सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए सबसे पहले प्लेट में चावल डाल लेंगे। चावल के साथ में ही प्लेट में हम छोले मसाला भी सर्व कर लेंगे। बगैर लहसुन प्याज के छोले मसाले की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।
रेसिपी के पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट जरूर करें।